बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिंपल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन। आज मैं बागवानी की बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से लाइफ पेंडिंग थी। फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे बहुत सारे बागवान साथी है कि इस साल फसल कम है। डेफिनेटली बहुत कम है, उसके बहुत सारे रीजन रहे। सबसे बड़ा तो इन्वायरमेंट का रहा, जो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, बस जो लोग बीच में निपट क्रॉस हो पाए उन्हीं के सेब लगे, या जिनके बहुत अच्छा पॉलिनेशन था। तो उनका एक क्वेश्चन आता है मुझे, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि क्या हम लोग स्प्रे ना करें। बागवान साथियों, इस साल की फसल तो आपकी गई, मगर अगली साल आपको अगर फसल लेनी तो अपने पत्तों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो आपका जून का महीना, खास तौर पर जून जुलाई का, वैसे जून का मई जून का जो महीना होता है, इसमें जो अगली साल का जो बीमा है वो अभी बन जाएगा। आपका बीमा अगली साल का भी अभी बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे को अपने पत्तों की को बचाना ही पड़ेगा। अब तो सरकार ने सब्सिडी में भी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। आप अपने नज़दीकी सेंटर में जाइए, आजकल साफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, साफ को दिया जा रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जेब है। आप देखिए, आपके रोको दिया जा रहा है, स्कोर दिया जा रहा है। आप इन दवाइयों को सब्सिडी में भी ले सकते हैं अपने हॉर्टिकल्चर विभाग से। तो आपको इन बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब आप देखेंगे, अगर आप क्लियरली देख पाएंगे, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान, ये अल्टरनेरिया है और ये वायरस है। इनमें देखिए कितना सारा फर्क है। इसके ब्राउन के साथ साथ, जहां ब्राउन स्पॉट है उसके साथ पीला पीला भी हुआ है, येलोश कलर हो गया है। तो ये आपके अल्टरनेरिया नहीं है, तो ये अल्टरनेरिया ब्राउन स्पॉट है। जैसे ही आप अभी सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट की स्प्रे करेंगे तो ये जल जाएगा और ये गिर जाएगा और इसमें एक होल सा बन जाएगा छेद। तो आपको ये ध्यान रखना कि बड़ा डेंजर नहीं है, आपको घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मगर सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह गिल्ले पत्तों में आप स्प्रे ना करें, बढ़िया मौसम साफ होने दे। अगर आप जल्दबाजी में स्प्रे करेंगे तो आपका पैसों का नुकसान होगा और असर नहीं करेगी दवाई। इसीलिए मौसम खुलने दीजिए, अगर बीमारी भी आती है आप फिर भी ना घबराए, मगर गिल्ले में स्प्रे ना करें, गिल्ले पत्ते ना हो, उसके ऊपर मॉइस्चर भी ना हो, पूरा ड्राई होने दे पत्ते को, उसके बाद ही स्प्रे करें। और उसके साथ साथ स्प्रेडर जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप सिलिकॉन डालते हैं, एप्सा डालते हैं, या किसी भी टाइप का जो स्प्रेडर डालते हैं, जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि बारिश का मौसम है, हो सकता है इवनिंग में जल्दी बारिश आ जाए। में अगर, वैसे सभी लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे बागवान होते हैं साथी मेरे के, जिनको पता नहीं लगता है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, जैसे उदाहरण के लिए जो अमूमन चलन में बेबिस्टीन, वो बेबिस्टीन सिस्टमेटिक है, वो सिस्टम में जाके किल करेगी फंगस। जो कॉन्टैक्ट है वो मैनकोजेब है, जो M45 डाइथीन के नाम से, इंडोफिल के नाम से आप जानते हैं, वो एक सिस्टम कॉन्टैक्ट है, वो बाहर से आपके लेयर बनाएगी ताकि बाहर की फंगस को। और ऐसे मॉइस्चर में बड़ा खतरा हो जाएगा स्कैब फैलने का, ऐसे मौसम में खतरा हो जाएगा मर्सोनीना का। पहले अल्टरनेरिया आता है, उसके बाद ही मर्सोनीना में कन्वर्ट हो।